इस वीडियो में आज की न्यूज़पेपर अपडेट के साथ जरूरी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कल भी आपने कुछ सवाल पूछे थे, उनके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट है वो है, लाखों छात्रों की कीमत पर रद्द नहीं होगी नीट। तो नीट की परीक्षा रद्द करने की जो है मांग की गई थी, तो इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो, सबसे लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है, हम इसे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। इसमें लिखा है कि 5 FIR दर्ज होने के आधार पर हम 7.5 लाख छात्रों को परेशानी में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट नीट उम्मीदवार सलोनी की उस याचिका पर टिप्पणी कर रहा था जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने का हवाला देकर परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। आपको बता दें, कोई भी परीक्षा रद्द करने के लिए कम से कम 15% उस पर जो है याचिका आनी चाहिए, लेकिन 5 उम्मीदवार, लाखों पेपर हुए थे और 5 उम्मीदवार जो थे उन्होंने जो है FIR वगैरह करी थी इस वजह से, ठीक है। तो इन पे अलग से कार्रवाई चल जाएगी, बस इतना हो सकता है। इसके अलावा UPTET के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से चल जाएंगे, अभी तक नहीं चले, हमने अभी चेक करा था, आज से चल जाएंगे, दोपहर से या फिर शाम से, जैसे ही चलेंगे आपको पता चल ही जाएगा और हमारी वेबसाइट पर हम लिंक डाल देंगे तुरंत। अब जो एडमिशन चल रहे हैं, पहली मेरिट से हुए 45,609 एडमिशन, कल आएगी दूसरी मेरिट, तो मेरिट अब लगेगी कल, ठीक है। आज का दिन बस फ्री है, मतलब आज ना तो जमा होने के और ना ही मेरिट लगने की, तो कल मेरिट लगेगी और कल से ही जमा होने शुरू होंगे ऑफ़र लेटर। तो लगभग अगर आपके कितने भी जितने पे भी मेरिट लगी है, लगभग 5% का अंतर मान लो जो आ सकता है, ठीक है, उससे कम भी हो सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी, वो डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है। बाकी हमें भी नहीं पता आइडिया कि कितना हो सकता है, वो पता चलेगा जब मेरिट लग जाएगी तभी। वैदिक गणित में शुरू हुए पंजीकरण, अगर कोई वैदिक गणित से करना चाहता है तो एक बार इस न्यूज़ को आप खुद से पढ़ लें, ठीक है। BCom प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का रिजल्ट जारी। CCS यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में BCom प्रथम वर्ष रेगुलर वर्ष 2020 के प्रोन्नत छात्रों का रिजल्ट परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक जारी किया गया है। BCom द्वितीय वर्ष 2021 रेगुलर का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। कई कॉलेजों के विभिन्न कोर्सों के रिजल्ट भी जारी किए गए हैं, मंगलवार से रिजल्ट देखा जा सकता है। अगर किसी कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया है और यहाँ पे लिख रहा है कि भाई रिजल्ट आ गया, तो अपने कॉलेज से बात करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कॉलेजों ने अपने जो है मार्क्स वगैरह यूनिवर्सिटी को नहीं भेजे हैं, जैसे कि हमने कल के न्यूज़पेपर से भी जो अपडेट बताई थी। CCS यूनिवर्सिटी की बैक परीक्षा 16 अक्टूबर से होगी और सम विषम सेमेस्टर की 21 से विशेष परीक्षा होगी, ठीक है। ये है इनकी वेबसाइट। 4 तारीख को 4 नोटिस आए थे, शाम तक वीडियो मिल जाएगी। इसमें जो दिए हुए स्कीम है, डेट शीट है, वो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे और भाई ने डाल दी है, ठीक है ना, तो वहाँ से चेक कर सकते हो आप। इसके अलावा इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षा 7 व 8 को, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 12, मतलब 9वीं 10वीं के लिए 12 और उसके बाद के सबको 21 तक, और यही चीज़ दैनिक जागरण में भी लिखी हुई है, लेकिन वेबसाइट पिछले 8 या 9 दिनों से बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ओपन तक नहीं हो रही है। ऐसे में कैसे फॉर्म भरे जाएंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर वेबसाइट 21 तक ही ऐसे चली तो निश्चित ही डेट बढ़ जाएगी, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी हम रेगुलर चेक कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट चलेगी हम एक पोस्ट टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है, और इस पर भी डाल देंगे अपने कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब पर, ठीक है। कल हमने जो है कम्युनिटी सेक्शन में सवाल किया था कि 5 अक्टूबर को न्यूज़पेपर वाली जो वीडियो आएगी उसके लिए अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें, अगर हमें सही लगा तो हम ले लेंगे उस वीडियो में। तो हमने सारे सवालों का स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार इसे पढ़ के बता दें आपको। सबसे पहला जो सवाल है वो है, इसने भाई ने पूछा है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन में फॉर्म भर रहा हूँ, मेरे 43.5% है, क्या मैं भर सकता हूँ? देखो भाई, कुछ के तो एलिजिबिलिटी 45% है, ठीक है, और कुछ की हो सकती है कि 45% ही हो। हमने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म नहीं भरा है, LLB के हमने भरे हैं कुछ फॉर्म, पोस्ट ग्रेजुएशन के जिनके हमने भरे हैं उनके इतने कम नंबर नहीं हैं। हम इसके बारे में आपको पता करके ज़रूर से बता देंगे, शाम तक इसका रिप्लाई हम आपको कर देंगे। दूसरा सवाल है, अगर किसी को इम्प्रूवमेंट में दिक्कत है तो CCSU में जाकर कमरा नंबर 309 में जा सकता है, ये भाई ने बताया था, ठीक है। अगर किसी को इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में दिक्कत आ रही है, ओपन नहीं हो रहा है, तो पहले कॉलेज में जाएं और कॉलेज में अगर जैसे गाइड करते हैं वैसे करें। अगर प्राइवेट कॉलेज आपका है तो हो सकता है आपका वहीं से ही समाधान हो जाए, क्योंकि उनकी कॉन्टैक्ट रहते हैं यूनिवर्सिटी में। BA सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा और रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ेगी क्या? सर देखो भाई, रजिस्ट्रेशन की डेट ऐसी बात है, अगर आप BA सेकेंड ईयर का रिजल्ट से थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन की डेट कॉलेज से होता है रजिस्ट्रेशन। उन्हें क्या करना पड़ता है, सिर्फ रजिस्टर में से नाम चेंज करने पड़ते हैं। सेकंड ईयर में जो जो पास हुए हैं डेटा उनके पास आ जाता है, उधर थर्ड ईयर में नाम लिखने होते हैं,
और आपसे आप जब आप जाओगे तो आपको बोलेंगे कि भाई थर्ड ईयर की फीस जमा कर दो, ठीक है। तो इसमें लेट चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइम से काम हो तो सही है। आप कॉलेज में जाके कंफर्म करना। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट की वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में फिर से डाल देंगे, उस पर जाके अपना रिजल्ट रेगुलर चेक करते रहना। योगेश माहौर, एम कॉम फर्स्ट ईयर का प्राइवेट वालों का रिजल्ट कब आएगा? भाई रेगुलर चेक करते रहो, क्योंकि रिजल्ट जब आता है कोई नोटिस वगैरह नहीं आता ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको खुद से चेक करना होता है। और बाकी हमारे ग्रुप में पूछ सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे और बच्चे होंगे आपकी क्लास के, वो आपको जानकारी दे देंगे। बीएड फाइनल का रिजल्ट कब आ रहा है? सीटेट का फॉर्म भरना है। देखो सीटेट के एलिजिबिलिटी के दो सवाल आए हैं, सीटेट की थोड़ा सा एलिजिबिलिटी की इसमें बात करेंगे। एक आया है, भैया सीटेट के फॉर्म डाल सकते हो, रिजल्ट तो अभी आए नहीं है, मुझे बीएलएड थर्ड ईयर का वेट है मगर आ ही नहीं रहा, फॉर्म की डेट निकल जाए जाएगी और अब मैं फोर्थ ईयर में आई हूँ, समझ नहीं आ रहा भरूँ या नहीं। देखो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसके लिए सेपरेट वीडियो हमें बनानी चाहिए थी, लेकिन हम इसी में थोड़ा सा इसे कवर करते हैं। सीटेट को एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हो, 2 साल की होती है, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में आए हो तो कुछ बच्चे बोलते हैं भाई ये भी अपियरिंग है, तो फॉर्म तो आपका भर जाता है क्योंकि अपियरिंग है वो आप। लेकिन अगर आप पास हो जाते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो इनवैलिड कर दिया जाता है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आप पेपर ही दे रहे हो, मतलब सेकंड ईयर के, फिर भी उसका रिजल्ट आने के बाद भी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आप कब एलिजिबल हो। अपियरिंग वालों को खासकर ये दिक्कत आती है, तो अपियरिंग में ऐसी बात है, मान के चलो आप बीएड सेकंड ईयर में हो और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आपका जब इसकी लास्ट डेट है उससे पहले आ जाना चाहिए, तब आप अपियरिंग माने जाते हो सेकंड ईयर में। रिजल्ट नहीं आया तो एलिजिबल नहीं हो। अगर रिजल्ट आ गया आपकी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे आ जाता है भाई कि इतने इनका रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है और लास्ट डेट क्या है, तब आप भर सकते हो, तब एलिजिबल हो, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपको पूछना है, अगर मान लो समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता देंगे। सर रिजल्ट आया या नहीं, रिजल्ट की भाई वहीं पर पता चलेगा। आप केवल न्यूज़ का कटिंग डालते हो, मैक्सिमम फेक होता है। भाई न्यूज़ का कटिंग हम डालते हैं, फेक इस चीज़ को नहीं बोलेंगे। और देखो अनुमानित तिथि होती है अखबार में, ठीक है, बाकी हमें जितनी जानकारी मिलती है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी अखबार के माध्यम से ही पता चला है कि भाई कल आपकी मेरिट लगेगी और 99% कल ही लग जाएगी, बाकी कुछ दिक्कत हो जाए, सर्वर दिक्कत, जो जो भी दिक्कत हो वो चीज़ अलग बात है, लेकिन अगर ऐसी दिक्कत होती है तो भी अखबार में ही आता है भाई किस कारण से नहीं लगी है, ठीक है। तो CCS यूनिवर्सिटी की ज़्यादातर अपडेट अखबार से ही मिलती है हमें, ठीक है, वेबसाइट पे कम आता है। वेबसाइट पे जब ऑफिशियल आ जाता है, वेबसाइट पे शायद ही पता चलेगा, हाँ उसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिशन की, तो राइट साइड में वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो भी तब जब आपकी मेरिट वगैरह लग जाएगी, ठीक है। रीट की न्यूज़ के बारे में बताएं, तो भाई रीट का जो है एग्ज़ाम में बता रहे थे कि कुछ सेंटरों पे रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा है कि भाई रद्द नहीं करा जाने का, जो गिल्टी पाए गए हैं उनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन रद्द वगैरह नहीं होने का एग्ज़ाम, ऐसी अभी तक की अपडेट है, ठीक है। तो अभी तक यही अपडेट है, अगर कोई अपडेट आती है बीच में तो वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो कल फिर न्यूज़पेपर की अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में हम एक लिंक डालेंगे ऐसे जैसे हमने कल डाला था, तो उसमें अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना, हम उसे अगली वीडियो में ले लेंगे। और शाम को वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको स्कीम वगैरह के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करके बता देंगे। 4 तारीख को वो नोटिस आए थे, ठीक है, जिसके बारे में हमने वीडियो में पीछे थोड़ा सा बताया हुआ है, ये वाले सम सेमेस्टर की 21 से विशेष परीक्षा और CCSU की बैक पेपर 16 तारीख से, ठीक है। तो इस वीडियो में यही, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि छोटी मोटी जैसी अपडेट आती है सबसे पहले वहीं पर मिलती है आपको।